संजय दत्त और शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 2007 में टेलीकास्ट हुए गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के तीसरे सीजन का है, जिसके होस्ट शाहरुख थे और संजय वहां अपनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। जब संजय हॉट सीट पर बैठे तो शाहरुख ने उनके साथ अपनी दोस्ती का दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जब वे मुंबई में नए नए थे और किसी को जानते नहीं थे, तब संजय ने उनकी मदद की थी और तभी से वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। शाहरुख के मुताबिक, मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, लेकिन नए नए होने की वजह से न तो मुंबई में मेरा कोई दोस्त था और न ही मैं किसी को जानता था। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता था। तब एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था, वह संजय दत्त थे। उन्होंने कहा, अगर कोई छुए भी तो मुझे बताना, वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई 80 के दशक में पहुंचे थे। टीवी सीरीज फौजी 1988 से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके करीब 4 साल बाद 1992 में आई दीवाना से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में दिव्या भारती और ऋषि कपूर का अहम रोल था। इन दिनों शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो की शूटिंग में बिजी हैं, जो 21 दिसंबर 2018 को रिलीज होगी। संजय दत्त की बात करें तो वे इन दिनों उनकी बायोपिक संजू के कारण चर्चा में हैं, जो महज 6 दिनों में 186 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त का रोल किया है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।